तो वही गाइज, आज की इस न्यू वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फोन पे का मर्चेंट अकाउंट कैसे बना सकते हो, यानी गाइज फोन पे बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूं, तो इसलिए गाइज आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, और हाँ गाइज इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कर लेना है। अगर गाइज इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक वॉच कर लेते हो तो बहुत ही इजी तरीके से फोन पे मर्चेंट अकाउंट को बना पाओगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ, तो उसके आपको क्या करना है कि वो जो वीडियो देख रहे हो ना उसके जस्ट नीचे लाइक बटन दिया हुआ है, तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से एक लाइक कर देना। लाइक कर देने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है कि अगर अभी तक मेरे चैनल पर नहीं हो तो जो यहाँ पे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन शो हो रहा है फटाक से जाकर सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन घंटी है ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, उस वीडियो को सबसे पहले आप देखकर फायदा उठा सको। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे फोन पे मर्चेंट अकाउंट को बना सकते हो, यानी फोन पे बिजनेस अकाउंट को बना सकते हो। तो उसके लिए गाइस आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च बार में जाना है और यहाँ पे फोन पे बिजनेस सर्च मार लेना। तो यहाँ पे गाइस जैसे ही सर्च मारोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ से फिर से ओपन कर लेना है। तो यहाँ से गाइस जैसे ओपन करते हो तो आपको भी कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हो आप। गाइस यहाँ से अलाउ दे देना है। अलाउ दे देने के बाद गाइस जिस नंबर से आपने फोन पे को लॉग इन किया वही नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए मैं वही वाला नंबर यहाँ पे फिलअप करता हूँ। तो फिलअप कर दिया, फिलअप करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो उस नंबर पे आपको 6 अंक का डिजिट कोड जाएगा, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आ चुका और वेरीफाई भी हो गया है। उसके बाद गए यहाँ पे फिर से अलाउ कर देना है। यहाँ पे अलाउ कर देने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है OTP। उसके बाद गए अब आपको क्या करना है कि एक्सेप्ट पेमेंट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो भीम UPI और फोन पे वॉलेट, यानी गए आपको कोई भी पेमेंट करता है UPI में भी पैसे आएंगे और आपके फोन पे वॉलेट में भी आएंगे बिना 1 रुपये इन्वेस्टमेंट के। उसके बाद गए अब आपको क्या करना है कि कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो उसके बाद गए यहाँ जिस बैंक अकाउंट को इसमें लिंक करना चाहो उस बैंक अकाउंट का यहाँ पे डिटेल आपको फिलअप यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करने के बाद गए अब आपको क्या करना है कि वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। लेकिन गए यहाँ पे आपको IFSC कोड में कुछ अंक और कुछ वर्ड फिलअप करने को रहता है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बीच में यहाँ पे 0 है और नहीं है। तो इस तरह से गाइज आप IFSC कोड ध्यान से डालिएगा, तभी तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली हो पाएगा। तो यहाँ पे फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करते हो उसके बाद फिर यहाँ पे वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइज आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन नाउ स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट। तो यहाँ पे गाइज आपको एक्सेप्ट अनलिमिटेड पेमेंट पे क्लिक करना। तो इस पे चलिए मैं क्लिक करता हूँ। इस पे आप जैसे क्लिक करते हो उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कर दो उसके बाद गए यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हो यूज पैन कार्ड ID। तो यहाँ पे गए आपको क्लिक करना और यहाँ पे जो आपका पैन नंबर है ना वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे गए आपको पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो इस पे जैसे क्लिक कर तो फिर से वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो लिखा चुका है योर वेरिफिकेशन इज कम्प्लीट। तो इस तरह से गए आपको भी शो कर रहा होगा। उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक कर तो उसके बाद फाइनली गए यहाँ पे देख सकते हो फोन पे का बिजनेस अकाउंट यानी गए फोन पे का मर्चेंट अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब गए यहाँ पे आपको कोई भी पेमेंट करता है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं बताता हूँ कि इसका स्कैनर आपको कहां पे देखने को मिलेगा। तो गाइस यहां पे प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करना है, आपको एक ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा, देख सकते हो मैनेज QR कोड। तो इस पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हो लिखा हुआ पेमेंट एंड QR कोड विल बी मैप्ड इन 2 to 3 डे अप टू सक्सेसफुली वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। यानी गाइस आपको यहां पे क्या करना है कि 2 से 3 दिन तक वेट कर लेना है। अगर गाइस आप यहां पे 2 से 3 दिन तक वेट कर लेते हो उसके बाद फिर यहां पे आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और यहां पे गाइस आपका मर्चेंट अकाउंट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे आपका QR कोड शो हो जाएगा। तो यहाँ पे गए आपको 2 से 3 दिन के वेट करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है और यहाँ पे आपको स्कैनर आ जाएगा। तो इस तरह से गए आप अपने फोन पे मर्चेंट अकाउंट को ओपन कर सकते हो, यानी गए फोन पे बिजनेस अकाउंट को बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आई होप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर गए इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से एक लाइक कर दो, अपने फ्रेंड रिश्तेदार के साथ शेयर नहीं किया तो फटाक से जाकर शेयर कर दो, ताकि उनका भी जो प्रॉब्लम है सोल्व हो सके। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।